अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। பயிருங்க கேரல் बस अपना ही कहते हाले संघर्ष शुरू आ और ये लड़ाई बड़ी लंबी आ और इस कोई एवें नहीं अभी पता नहीं भी अपना असी हाले शुरुआत आ इस तो अगे अगे तुसी कैवें इस लड़ाई में आप अगे लेके जाना क्योंकि शायद साडा ये मकसद सीगा हलाइए और इन्हां नूं दसीए भी किसान जिहड़ा वा वह बहुत दुखी आ। किसान नाल तुसी गल करो, तुसी कांग्रेस नाल तां गल करके राजी नहीं हो लेकिन किसान स्टेक होल्डरस नूं बिठा के तुसी गल करो और उन्हां दीआं जिहड़ीआं डिमांड्स आ उस बिल विच पाओ। अगर तुसी नहीं मन्नोगे तो ये लड़ाई असी किसानां दे वल्लों असी अपने वल्लों असी लड़दे रहांगे। इस तो भी वड्डे प्रोटेस्ट होणगे, इस तो भी होर नवें तरीके नाल प्रोटेस्ट करांगे और पंजाब यूथ कांग्रेस के साडे सारे साथी मैं खास तौर पर कहूँगा बंटी जी इंचार्ज साहब जिन्होंने हमेशा अपना एक वधिया तरीके ने कहा हरीश जी जी कंवर साहब भैया जी जिन्होंने साडा मेरे नाल जेल च भी कट्टी और सारा कुछ किया साडे ढींसा साहब साडे वाइस प्रधान इन्हां सारिआं ने मैं कहना जिस तरीके आप लड़ाई लड़ रहे हैं आने वाले समय होर साथी जिन्होंने भी ये लड़ाई लड़ी आ इन्हू अगे कैमें वधाना क्योंकि ये तो हाले सिर्फ छोटी जी शुरुआत आ। इन्होंने सानू दबण की कोशिश की, परचा भी पाया, जेल भी भेजा लेकिन ये चीज़ों तो घबराने की लोड़ नहीं, सिर्फ इन्ना कहने की लोड़ आ। जुडिशल सिस्टम च विश्वास आ, कानून ते विश्वास आ और असी कानून ते रहित रह के ही साडे यूनिवर्सिटी तो भी साथी आए हुए आ सारे अपना इन्होंने भी बेचारे इन्हों भी कई जेल च फड़िया उन्होंने राहुल सीगा सारे सीगे सरबोत्तम आ प्रगट आ रमन आ अपना की कहते बल्लू आ सारे साथी है गया साडा अपना की कहते साडी यही कोशिश आ कि इस लड़ाई में आप अगे कैवें लैके चलीए और दोबारा दिल्ली वालू ही आके ये लड़ाई लड़ी जूगी। पंजाब च बैठे किसी तो कोई फर्क नहीं पैंता, किसी को कोई असर नहीं आ, कितने ना कि शिद्दत भी ढलनिया पैनिया इन्हों की तशद्दत भी ढलनी झेलनिया पैनिया इन्हों लड़ना भी पैना इन्हों खपना भी पैना कि अपना की कहते अपना आपदा अपने कंफर्ट जोन चो बहर आके एक योजी जगह आके लड़ाई लड़नी पेगी जिथे आके इन्हें कोई ना कोई असी असर पा सकी ही ये लड़ाई नहीं तो इन्हें कोई असर नहीं। माड़ा मोटी हिलजुल हुई है लेकिन इस हिलजुल अगे ता ही करा अगर सारे इकट्ठे होकर किसान वीर इधर आएंगे दिल्ली में जब तक दिल्ली आके जिथे उत्थे तक आप नहीं बैठांगे उदों तक इहदा कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरी यही उम्मीद आ और इस चीज़ में कोई असी सिर्फ ये आई वाई सी के साडे आई वाई सी प्रेजिडेंट श्री निवास जी उन्हों का बड़ा धन्यवाद करना जिन्होंने इन्नी मदद की और खास तौर पर कैप्टन साहब और जाफर साहब का जिन्होंने बकायदा अपना कहते मोनीटर करते रहे चीज़ में सानू सारे हौसला दिता और नाल नाल साडे जिन्ने साडे सारे कांग्रेस के साथी आ मैं उन्हां सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा और खास तौर पर उत्ते कृष्णा जी जिन्हां दी गाइडेंस के अंदर हमेशा ये चीज़ां असीं अगे वधांदे रहिंदे आ। उम्मीद करदे आ राहुल जी छेती किसानां दी जी असीं इस सरकार नूं जवाब दे सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। राष्ट्रीय महासचिव भैया पवार जी भी जो है जो भी अभी हमारे पंजाब के प्रधान सुरेंद्र जी के साथ में इंजीनियर बिल इस तरीके से इंडिया गेट पर भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पंजाब युवा कांग्रेस द्वारा ट्रैक्टर जलाया गया एक सांकेतिक ये बताने की कोशिश थी किस तरीके से दमन किया जा रहा है किसानों का जो किसान विरोधी बिल है। अगर ये किसान विरोधी बिल सच्चा किसान के हित में है तो क्यों देश में पता चलता, चर्चा होती, देश को पता चलता कि इसमें कितनी चीज़ें हैं जो किसान के हक में हैं। और इतना ही नहीं है, एमएसपी जब उसमें रखने की बात की जा रही है तो सिर्फ मुंह से बातें की जा रही है लेकिन आप कानून क्यों नहीं बना रहे। अगर एमएसपी आप उसको लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं, एमएसपी उसमें रहने वाले, तो आप उस पर कानून बना दीजिए। इस मांग को लेकर जो लगातार युवा कांग्रेस पूरे देश में लगी हुई है, इंडिया गेट पर जो कुछ हुआ तो हम सिर्फ बताना चाहते थे कि किसानों का गुस्सा किस तरीके से है, किसान क्या चाहता है, किसान अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है,
मोदी जी के राज में। ये जो लड़ाई है लगातार चालू रहेंगी। ये लड़ाई जिस तरीके से राहुल जी भी किसानों की आवाज़ किसानों के हक में आवाज़ उठा रहे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी उठा रहे, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा जी उठा रहे और युवा कांग्रेस के सभी साथी उठा रहे, ये आवाज़ उठाते रहेंगे और इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को जगाने का काम इससे भी बड़ी पुरजोर तरीके से, चाहे कितने भी मुकदमे हम पर हो जाए, चाहे कितनी बार हमको जेल जाना पड़े, कितनी भी रातें जेल में काटना पड़े, युवा कांग्रेस पीछे हटेंगे नहीं और लगातार इसके खिलाफ मुकर होकर आवाज़ उठाने का काम करेंगी। जय युवा कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जी अमर रहे। दोस्तों साढ़े सीनियर लीडरशिप ने थोड़ा सारा कुछ दसिया, सो मेरी एक बेनती थोड़ा यही है भी जंग का आगाज हो गया, जंग जारी हो गई है, आप जरूर जितांगे इस जंग नू, हौसला बनाई रखियो, संघर्ष करने वाले की जित हमेशा होंगी है, आप रल के आपकी किसानियत वास्ते संघर्ष करना है, शुरू करता है अगे हूँ इसको तुम सारे ने रल मिल के अपना कट्ठे होकर इसको अगे लेके जाना है। इनकलाब जिंदाबाद। हर एक युवा कांग्रेस के साथी की जो गिरफ्तारी है आने वाले समय में एक इंकलाब बन के ये उठने ही वाली, और जिस तरीके से हमारे पंजाब के प्रधान वीरेंद्र ढिल्लों जी, राष्ट्रीय महासचिव भैया पवार जी और राहुल जी के निर्देश पर और हमारे जो सेनापति राहुल जी के श्रीनिवास जी के हम सभी कार्यकर्ता जो है यह कार्यकर्ता और उसके साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव अब्राहम जी, मंजोत जी, पंजाब युवा कांग्रेस के तमाम हमारे साथी, जितने भी साथियों ने यहाँ पर गिरफ्तारी दी थी और आने वाले समय में गिरफ्तारी जो देने वाली है, हर एक साथी की गिरफ्तारी एक नया इंकलाब जो है ये आने वाले समय में ये उठने वाला है और लिखने वाला है। और ये ऐतिहासिक इस तरीके के जो ट्रैक्टर जो वहाँ पर जो चलाया था मोदी जी, फिर से एक बार पंजाब युवा कांग्रेस के साथी की ओर से, श्रीनिवास जी की ओर से, कृष्णा जी की ओर से, राहुल जी की ओर से, भैया पवार जी की ओर से, अब्राहम जी की ओर से और हमारे पंजाब के प्रधान वीरेंद्र ढिल्लों जी और गुरजोत ढिंसा जी सभी की ओर से हम एक बार फिर से आपको एक यलगार आपको आगाह करना चाहते हैं कि सिर्फ ये ट्रैक्टर जो है, ये ट्रैक्टर वहाँ पर जो चलाया था, आने वाले समय में ये पंजाब युवा कांग्रेस के साथी और देश के युवा, ये जो है जिस प्रकार से प्रताड़ित जो हमारे युवा है, बेरोजगार जो युवा है, प्रताड़ित हमारे जो किसान है, प्रताड़ित हमारे जो बहने हैं, जो हाथरस में जो मामला जो हुआ है, ये सभी मिलकर आने वाले समय में ट्रैक्टर तो जलाया, आने वाले समय में आपकी गद्दी भी वहां पर जलाने वाली है, कितनी भी ऊंची आपकी जो जिले रहेगी, ये पंजाब युवा कांग्रेस का जो साथी है, जिस धरती पर शहीद आजम भगत सिंह जी ने जो जिनका जन्म हुआ था, उसी धरती के हमारे ये पंजाब युवा कांग्रेस के साथी आने वाले समय में आपको चपराक देकर आपको आपकी जगह दिखाने वाले, आपकी सरकार को जगाने वाले और किसानों की आवाज़ यूथ कांग्रेस का हर एक साथी ने जो उठाए हुआ है, आने वाले समय में इसी प्रकार से आवाज़ उठाए हम उठाते रहेंगे। और भैया पवार जी ने जो कहा कि कोई वोटिंग न करते हुए जिस प्रकार से आपने जो है एक दबाव तंत्र लाकर जो किसानों की आवाज़ दबाने का जो काम आपने जो किया हुआ है, आने वाले 3 तारीख से फिर से एक बार राहुल जी का जो दौरा है, वो ट्रैक्टर जो रैली है, ये पंजाब से फिर से एक बार हमारे नेता राहुल जी गांधी आगाज करने वाले हैं और राहुल जी के नेतृत्व में फिर से एक बार युवा कांग्रेस के साथी आपको दिखा देंगे कि यूथ कांग्रेस क्या क्या है और ये देश का युवा क्या है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे।